लेसन वंस अपन अ टाइम एंड ओल्ड मैन प्लांटेड समर्निप सीड्स एक बार एक ओल्ड मैन ने टर्निप के बीज इसके सीड्स आते हैं उससे ये ग्रो होता है राइट सीड से ही कोई भी प्लांट ग्रो होता है आपको पता ही है सो so, टर्निप सीड्स उसने प्लांट किए द टर्निप सी द टर्निप सी एंड ग्रू टर्निप सीड्स धीरे धीरे उगना स्टार्ट हुए और हर बार मतलब उगते ही गए उगते ही गए फिर आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस जर्निप सेट द ओल्ड मैन और मतलब वो इतना बड़ा होता गया होता गया कि एक दिन वो मैन ने बोला ओल्ड मैन ने कि मुझे ये एनॉर्मस ये बड़ा सा टर्निप अब खींचना है क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो गया अब मुझे इसको खींचना है द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस जर्निप ओल्ड मैन ने क्या किया खींचा बहुत खींचने की ट्राई की पर वो एनॉर्मस टर्निप उससे नहीं खींच पाया एन ओल्ड मैन केम वहाँ पे एक ओल्ड ओल्ड वुमेन आई सॉरी एन ओल्ड वुमेन केम एक बूढ़ी औरत आई आई वांट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेट द ओल्ड मैन फिर ओल्ड मैन ने उसको बोला कि मुझे ये बड़ा सा एनॉर्मस टर्निप जो है उसे खींचना है बाहर निकालना है आई विल हेल्प यू सेट द ओल्ड वुमेन ओल्ड वुमेन ने बोला ठीक है मैं आपकी हेल्प करती हूं द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन पुल्ड एंड पुल्ड बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस तो ओल्ड देन और ओल्ड मैन ने दोनों ने खींचा बहुत खींचने की ट्राई की पर फिर भी वो एनॉर्मस टर्नेब नहीं निकल पाया बाहर नहीं आ पाया अब बॉय कीट एनॉर्मस चर्नेब से ओल्ड वुमेन तो एक लड़का आया तो उसको ये ओल्ड वुमेन ने बोला कि हमें ये एनॉर्मस एनॉर्मसनिब को खींचना है तो बॉय ने बोला आई विल हेल्प यू सेट द बॉय उसने बोला कि मैं तुम लोगों की हेल्प करता हूं राइट right? उसके बाद द ओल्ड वुमेन एंड सॉरी ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड फिर ओल्ड वुमेन ओल्ड मैन और वो बॉय बार बार वो कोशिश कर रहे थे खींचने के लिए वो एनॉर्मस टर्निप को बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप पर उन लोगों से वो एनॉर्मस टर्निप नहीं खींचा गया उन लोगों से भी तीन जन तीन लोग मिलके भी वो नहीं खींच पाए थे अ गेल अ गर्ल के वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेट द बॉय फिर एक लड़की आई और वो बॉय ने बोला कि हमें ये एनॉर्मस टर्निप को खींचना है आई विल हेल्प यू सेट द गर्ल फिर उसने बोला कि ठीक है मैं आप लोगों की हेल्प करती हूं द ओल्ड मैन एंड द वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल ओल्ड एंड पोल्ड फिर ये चारों ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन बॉय और गर्ल बार बार कोशिश कर रहे थे खींचने के लिए अप केम द एनॉर्मस फिर आया ऊपर एनॉर्मस चर्नेप बाहर निकल आया उसके बाद वी विल हेल्प यू टू ईट दर्नेप सेट द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल फिर उन तीनों ने मतलब ओल्ड मैन सॉरी ओल्ड मैन तो उसी का था ये टर्नेप पर ओल्ड वुमेन गर्ल और बॉय तीनों ने ये बोला कि अब हम लोग जैसे ही हम लोगों ने हेल्प की आपकी ये एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने की उसी तरह हम लोग आपको हेल्प करेंगे ये टर्निप खाने के लिए और वैसा ही एंड दे डिड और फिर वैसा ही उन लोगों ने किया सभी ने मिल वो टर्निप को खाया ठीक है ये यहाँ पे स्टोरी खत्म हुई अब है न्यू वर्ड्स है न्यू वर्ड्स मींस वर्ड मीनिंग सॉरी हार्ड वर्ड्स तो फर्स्ट स्पेलिंग है E -N -O -R -M -O -U -S, मतलब बड़ा सा राइट टी यू आर एन आई पी टर्निप मतलब शलगम ओ एल डी एम ए एन ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी ओ एल डी डब्ल्यू ओ एम ए एन ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत फिर पी यू L एल -E D पुल मतलब खींचना राइट ओके तो अब हम लोग एक बार फिर से रीडिंग करेंगे लेसन का The Enormous Turnip. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. An old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. I will help you, said the old woman. The old man and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. A boy came. We want to pull up that enormous turnip, said the old woman. I will help you, said the boy. The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. But they could not pull up the enormous turnip. A girl came. We want to pull up that enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. The old man, the old woman, and the boy and the girl pulled and pulled. Up came the enormous turnip. वी विल हेल्प यू टू ईट दर्नी सेट द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड द डेड ओके तो यहाँ पे हमारा लेसन का एक्सप्लेनेशन और न्यू वर्ड खत्म हुए बाकी का हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में करेंगे अब ये न्यू वर्ड्स अब आप आपकी बुक में लिखोगे फाइव टाइम्स ओके बाय टेक केयर